हम लोग बताने वाले हैं कि एमहॉक का टाइमिंग कैसे बंधाता है और दिखाएंगे कहां कहां इसका मार्कर रहता है। देखिए ये एक नंबर का टीडीसी पोजीशन पर हम लोग ले चुके हैं और यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग क्रैंक लॉक कर चुके हैं। एक छोटा सा एल्की नट रहता है, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और एक यहाँ पर एक केम का जो है ना तीन को घाट रहता है, तीन पीस इसमें घाट रहता है। यहाँ पर ही देख सकते हैं एक यहाँ है, एक साइड में है, एक इस साइड में रहता है। तो जो इस साइड वाला जो घाट है दोनों पर बड़ा साइड जो रहेगा दोनों अलग अलग साइड रहेगा और दोनों को मिला के रखना है इसको। और इसमें दिखाते हैं, देख सकते हैं पीछे का, देखिए ये जो घाट है ये ऊपर की ओर होना चाहिए, मोटा वाला जो घाट होता है वो सीधा रहना चाहिए ऐसे। ये जो पतला वाला घाट है ये पतला घाट है, इस कैम का घाट और इस कैम का घाट दोनों देखिए एक्यूरेट है। ये भी ऊपर साइड है, ये भी ऊपर साइड है। कभी भी एमहॉक स्कॉर्पियो का टाइमिंग आप लोग बांधिए तो ऐसा ही बांधिए, तभी एक्यूरेट हो सकता है, ना तो आप लोग फंस सकते हैं। देखिए अभी दिखाते हैं इसको कैसे हम लोग मिलाते हैं। देखिए हम लोग इसको एक रेती ले लिए हैं, इसको मिलाना इससे ऐसे करके एक्यूरेट बैठ गया। आप समझ लीजिए कि मेरा टाइमिंग ओके है। जब भी मिलाएं आप लोग ऐसे करें तो बहुत अच्छा है, इसका गाड़ी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा स्टार्टिंग में, बिल्कुल एक्यूरेट उतरेगा। अभी हम लोग इसका टाइमिंग बांध चुके हैं, स्टार्ट करेंगे तब दिखाएंगे।